शुरुआत करेंगे आज के न्यूज़ पेपर की हम पीआईबी के साथ में इसके बाद द हिंदू की खबरें देखेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे हम एडिटोरियल को आज दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल हम देखेंगे पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड किस प्रकार से हम ऐसा काम करें गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि भारत की प्रगति भी होते जाए उसके साथ साथ में पर्यावरण को क्षति भी ना पहुँचे इसके बाद का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल लिखा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के भारत जीडीपी का कितना हिस्सा भी खर्चा कर रहा है यदि वो जीडीपी में ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ाएगा अपनी किसकी किस एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले एरिया में तो कहीं ना कहीं उसको पैसों में कटौती करना पड़ेगा तो वो कटौती डिफेंस के मामले में करके हम कर सकते हैं इसका एक रीज़न ये है कि आज के टाइम में आप जंग को डिफ़ेंस में ख़र्चा करके जीत नहीं सकते अमेरिका कितना ज़्यादा पैसा खर्चा करता है अपने डिफेंस सेक्टर में लेकिन वो तालिबान को अभी तक हरा नहीं पाया और आज देख रहे हैं आप अफग़ानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया इसीलिए भारत डिफेंस वाले सेक्टर से कुछ पैसे की बचत कर सकता है लेकिन जो सोशल स्कीम है जहाँ पर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए गरीबों के पेट काट करके तो हम ये काम नहीं कर सकते ऐसा इसमें बताया जाता है सीधे चलते हम फॉरेन वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं फॉरेन में कौन सी न्यू कंट्री की न्यूज़ आई है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केन्या की न्यूज़ फिर से आई है लेकिन नया कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर हम आज देखेंगे अफ़ग़ानिस्तान के मैप को अफ़गानिस्तान के बारे में आप सभी जानते हैं तालिबान का यहाँ पर शासन हो गया है यहाँ पर चुनी हुई सरकार का राज नहीं चल रहा है यहाँ पर शासन है यहाँ की तालिबान का ये इसकी कैपिटल है कैपिटल इसकी पड़ती है पूर्व वाले हिस्से की तरफ अफ़ग़ानिस्तान में कौन कौन से देश हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है तो सबसे बड़ी बाउंड्री आप देख रहे हैं पाकिस्तान में ये शेयर कर रहा है इसका पूरा पूरब से लेकर के आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो पूरा जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है ऊपर की तरफ आप बढ़ोगे तो एकदम थोड़ा सा हिस्सा चाइना के साथ टच होता है फिर आ गया आपका तजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान टोटल कितने देश हो गए टोटल देश हो गए एक दूसरा चाइना तीन चार पाँच छः छः कंट्री के साथ में अफ़गानिस्तान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है वहीं यदि हम वर्ल्ड वाले मैप को देखें और इसकी लोकेशन को समझने की कोशिश करें तो जो हमारा एशिया है एशिया के किस हिस्से में पड़ता है ये एशिया की ये पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में पड़ता है ठीक है एशिया महाद्वीप में यदि आप देखोगे तो अब चूंकि एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान आता है इसलिए एशिया के कुछ फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं जैसे कि एशिया महाद्वीप हमारा स्थित है कौन से गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में आता है ठीक है एशिया के नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है दक्षिण में आ जाता है आपका हिंद महासागर और पूर्व की तरफ यदि आप जाओगे तो इधर पड़ जाता आपका प्रशांत महासागर एशिया के पश्चिम में देखेंगे आप इधर चले जाएंगे तो यूरोप पड़ जाता है और एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है जैसे कि हाँ आप देख सकते हैं मैप में हम ये जो डॉट डॉट रेड कलर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ठीक है ये यूराल पर्वत है जो कि ये पूरे एशिया को ये पूरा एशिया है इसको पूरा वो अलग करता है यूरोप से इसके साथ साथ में स्वेज नहर है ठीक है इसके अलावा स्वेज नहर फिर स्वेज नहर और जो लाल सागर है ये वाला हिस्सा एशिया को अफ्रीका से अलग करता है ये स्वेज नहर अलग करती है ये लाल सागर अलग करता है किसको अफ्रीका के साथ में एशिया को अलग करने का काम करता है अब एक है नॉर्थ अमेरिका और एशिया ठीक है नॉर्थ और अमेरिका और एशिया दोनों अलग होते हैं बेरिंग की संधि के द्वारा बेरिंग जल संधि के द्वारा जो कि प्रशांत महासागर में आती हैं स्वेज नहर लाल सागर ठीक है और हमने देख लिया कौन सा यूराल पर्वत कैस्पियन सागर काला सागर और भूमध्य सागर यहीं पर आप ये देख रहे हैं दो चीज़ लोकेशन एक कैस्पियन सागर दूसरा लाल सागर भूमध्य सागर इसको यूरोप के साथ में अलग करते हैं ये तो थे एशिया किस किस प्रकार से अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ है न्यूज़ की तरफ चलें तो बताया जाता है ताबी तालिबान ने कंपलसरी कर दिया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलीजन वाली क्लासेस को अटेंड करें ये अनिवार्य कर दिया है उसने यूनिवर्सिटी में अफगान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इनको अटेंड करना पड़ेगा और भी ज़्यादा कंपलसरी इस्लामिक स्टडीज़ क्लासेस को ऐसा एजुकेशन ऑफिशियल का कहना है ट्यूसडे वाइल गिविंग लिटिल साइन टू साइन दैट सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स वुड रीओपन लेकिन यहाँ पर बहुत कम ही ऐसे साइन मिले हैं जिसके चलते पता चल सके कि ये जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो लड़कियों के लिए रिओपन होंगे कई सारे कंजर्वेटिव अफगान क्लिनिक्स हैं ठीक है जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं अफगानिस्तान के लोग इन द हार्ड लाइन इस्लामिस्ट तालिबान ठीक है विच स्वेप बैक इन टू पावर ए ईर ई जिस जो कि सत्ता जिसने हथियाया था एक साल पहले बताया जा रहा है कि ये सेप्टिकल मानते हैं उलझन समझते हैं मॉडर्न एजुकेशन को वो अपने यहाँ यहाँ की जो जनता है उसको मॉडर्न एजुकेशन ज़्यादा नहीं देना चाहते तालिबान सरकार का कहना है कि हम जो है पांच और भी ज़्यादा रिलीजियस सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं जबकि एग्जिस्टिंग आठ तो थे ही पहले ऐसा कहना है अब्दुल बाकी हक्कानी का ये है मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन। इसमें इंक्लूड है इस्लामिक हिस्ट्री पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। तीन सब्जेक्ट के नाम तो यहाँ पर बता दिए बताया जा रहा है द नंबर ऑफ कंपलसरी रिलीजियस क्लासेस इनको इनक्रीज़ किया जाएगा फ्रॉम वन टू थ्री ए वीक एक सप्ताह में आपको तीन क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा तालिबान का कहना है उनका कहना है एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कि तालिबान वुड नॉट ऑर्डर एनी सब्जेक्ट टू ड्रॉप हमने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है कि हम सब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम द करेंट करिकुलम अभी हाल ही में जो पाठ्यक्रम है उसमें से फिर भी ऐसा बताया जा रहा है सम यूनिवर्सिटीज़ हैव एल्टर्ड स्टडीज़ ठीक है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने बदल दिया है स्टडीज़ को किसमें म्यूज़िक एंड स्कल्पचर में वाइल एन एग्जुडस ऑफ अफगानिस्तान एजुकेटेड इलाइट इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स हैज़ सीन मैनी सब्जेक्ट डिसकन्टीन्यूड क्योंकि कई कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये बनाने के चक्कर में आगे यदि इनसे पूछा गया था महिलाओं की शिक्षा के बारे में तो जो सीनियर ऑफिशल्स हैं उनका कहना है एजुकेशन मिनिस्ट्री के फैमिलीज इन रूरल एरियाज तो जो गांव ग्रामीण एरिया की फैमिली हैं हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए हैं ठीक है द नीड टू सेंड गर्ल टू सेकेंडरी स्कूल कि वो अपनी बच्चियों को सेकेंडरी स्कूल तक भेज सकें हम लेकिन इसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ साउंड पॉलिसी लेकर के आए और इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन रहे हमारे लीडर के साथ में सो दैट दोज इन रूरल एरियाज आर आल्सो कन्विस्ड ताकि जो बच्चे हैं ग्रामीण एरिया के उनको हम प्रेरित कर सकें कि आप अपने बच्चियों को स्कूल भेजिए इसके बाद फॉरेन वाले पेज में ही चाइना के बारे में न्यूज़ आई है चाइना अब प्लानिंग कर रहा है कि वो बर्थ रेट को बढ़ा सके क्योंकि यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और जो कामकाजी युवा हैं उनकी संख्या में संख्या में कटौती हो रही है उनकी संख्या घट रही है तो अब चाइना इसको इनक्रीज़ करना चाहता क्योंकि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है जो कि ज़्यादातर डिपेंडेंट है इसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे खर्चा करने पड़ते हैं और यदि उसको अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार की इकोनॉमी को बढ़ावा देना इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है तो उसके लिए उसको लेबर फोर्स को बाहर से मंगाना पड़ता है इसलिए उसको महंगा पड़ रहा है अब चाइना चाहता है कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़े इसके लिए उसने फिर से बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए ऐलान कर दिया है चाइना ने अनाउंस किया है ट्यूजडे के दिन स्ल्यू ऑफ पर्गस एम्ड एट इनकरेजिंग फैमिलीज ठीक है इसमें कुछ पर्गस प्रोवाइड किए जा रहे हैं फैमिलीज़ को सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि इनकरेज किया जा सके परिवारों को फैमिली को कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जा, बच्चे रखिए एज़ बर्थ रेट्स हिट ए रिकॉर्ड लो क्योंकि जो बर्थ रेट है जन्मदर है चाइना की बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है एंड ऑफिशियल ने ये वार्निंग दी है कि जो पापुलेशन है ना विल स्टार्ट टू स्रिंक बाय 2025 और यहाँ की जो पापुलेशन है वो 2025 तक धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगी ऐसा अधिकारियों का कहना है पॉलिसी गाइडलाइन जिनको इशू किया गया था नेशनल हेल्थ कमीशन के द्वारा ट्यूजडे के दिन उन्होंने क्या कहा है दोनों को ही सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है प्रोवेंशियल गवर्नमेंट रहती है कि वो इंक्रीज करे स्पेंडिंग आप ज़्यादा से ज्यादा खर्च करिए किसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसके साथ साथ इम्प्रूव करना है चाइल्ड केयर सर्विस पूरे देश भर में इसके लिए क्या रिक्वायर रहेगी लोकल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करें एक्टिव फर्टिलिटी सपोर्ट मेजर ठीक है कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग कर सकें उनकी डेथ ना हो जन्म के टाइम में इसमें क्या इंक्लूड है इसके अंतर्गत गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है टैक्स में छूट दे सकती है इसके साथ साथ में बेटर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी एज़ वेल एज़ एजुकेशन हाउसिंग एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट फॉर यंग फैमिलीज इसी से जो बर्थ रेट है चाइना का वो बढ़ पाएगा अच्छे से जितने भी प्रोविंसेस हैं राज्य हैं उनको ये इंश्योर करना है कि दे प्रोवाइड इनफ नर्सरीज़ ठीक है इनफ नर्सरीज़ फॉर चिल्ड्रन एज टू से लेकर के थ्री बाय एंड ऑफ द ईयर नर्सरी की शिक्षा भी अच्छी तरह से प्रोवाइड की जाए ऐसा चाइना इंश्योर कर रहा है अगली न्यूज़ भी चाइना और ताइवान के रिलेशन को बताती है चाइना ने कुछ कुछ सेंक्सन लगा दिए हैं ताइवान के ऊपर क्योंकि वो जो है दूसरे देशों के साथ में ज़्यादा संबंध बनाने लगा खासकर अमेरिका के साथ में चाइना ने इम्पोज़ कर दिया है वीज़ा की बैनिंग इसके साथ साथ में कुछ और सेंक्सन भी लगाए गए हैं ट्यूज़े के दिन किस ताइवानी पॉलिटिकल फिगर्स के ऊपर जो राजनीतिक नेता हैं वहाँ के उनके ऊपर क्योंकि इट राइज़ प्रेशर ऑन द सेल्फ गवर्निंग आईलैंड ठीक है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है यूएस का इन रिस्पॉन्स टू सक्सेसिव कांग्रेसनल विजिट क्योंकि अमेरिका की तरफ से वहाँ के लीडरों के द्वारा इसकी विजिट करी जा रही है जिसको चाइना क्या देखता है वन चाइना वन पॉलिसी की जो नीति है उस पर ठोकर उसको ऐसा लगता है इस प्रकार के जो सेंक्शन हैं चाइना की तरफ से अनाउंस किए गए थे ठीक है मोर मिलिट्री एक्सरसाइज इन द सीज एंड स्काई सराउंडिंग ताइवान बिकॉज ऑफ वाट इट कार्ड कोल्यूज़न एंड प्रोवोकेशन बिटवीन यू एस एंड ताइवान क्योंकि दोनों के बीच में प्रोवोकेशन कोल्यूज़न बढ़ते ही जा रहा है अमेरिका उसको उकसाते जा रहा है और दोनों के बीच में जो कोल्यूजन है ना आपसी गांठ बढ़ते जा रही हैं इसलिए सबसे पहले तो चाइना ने एक्सरसाइज कराया इसके बाद उसने सेंक्शन लगाना चालू कर दिया है इसके बाद अगली न्यूज आई है द हिंदू की तलाक ए हसन से संबंधित ठीक है सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी जिसमें यह कहा गया है तलाक ए हसन जो है इतना भी अनुचित नहीं है मतलब इसको आप जारी रख सकते हो इसमें क्या होता है एक दो तीन तीन महीने में एक बार अभी पति बोलेगा तलाक फिर दूसरी बार बोलेगा फिर तीसरी बार जब बोल देगा फाइनली तो तलाक हो जाता है लेकिन तीसरे तलाक बोलने से पहले तीसरे महीने के पहले यदि दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं सहवास हो जाता है तो फिर ये मान लेते हैं कि दोनों के बीच में सहमति हो गई अब ये लोग तलाक नहीं लेना चाहते मतलब बहुत जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हो रही है ठीक है और इसमें आपसी सामंजस्य बिठाने का भी एक ऑप्शन रहता है कि चलो यहाँ पर रिश्ता फिर से हो सकता है इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टि में यदि ये देखोगे ना तो हमें तो उतना अनुचित नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता से पूछा था क्या आप आपसी सहमति से इस तरह तलाक लेना चाहती हैं जिसमें आपको दहेज से अधिक मुआवजा दिलाया जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों में तलाक के हसन की प्रथा उतनी अनुचित नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहता है कि ये मुद्दा किसी अन्य कारण से एक एजेंडा बन जाए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एस सुंदरीसन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा प्रथम दृष्टया तलाक के हसन इतना अनुचित नहीं है महिलाओं के पास एक विकल्प है खुला है ठीक है तलाक हसन में तीन महीने महीने की अवधि में एक मुस्लिम व्यक्ति महीने में एक बार तलाक बोलता है यदि इस अवधि के दौरान सहवास फिर से चालू नहीं होता है तो तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक बोलेगा हालांकि यदि तलाक के पहले या दूसरे उच्चारण के बाद सहवास फिर से शुरू हो जाता है तो मान लिया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच में सुलह हो गई तलाक के पहले और दूसरे उच्चारण को अमान्य माना जाता है खुला मतलब क्या है एक ऐसी प्रोसेस जो एक महिला को पति को तलाक देने की अनुमति दे रही है दहेज जिसको मेहर कहते हैं या कुछ अन्य चीज़ों जो उसके पति उसके अपने पति से प्राप्त की गई चीज़ों को लौटा करके या फिर पति पत्नी के समझौते के अनुसार कुछ भी लौटाए बिना भी ये चीज़ हो सकती है इसके बाद अगली न्यूज़ आई है चाइल्ड मोर्टलिटी रेट को लेकर के जिसको हम बाल मृत्यु दर बोलते हैं ये गिर गई है पैंतीस पर एक हज़ार बर्थ ऐसा मिनिस्टर का कहना है इसका मतलब ये हो गया एक हज़ार बच्चे यदि जन्म ले रहे हैं तो उसमें से केवल पैंतीस ही ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जा रही किसी कारणवश बाकी के जो बच्चे हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि जो चाइल्ड मोटेलिटी रेट है उसमें गिरावट आई है ऐसा मिनिस्टर का कहना है चिन, इंडिया की तरफ आप ये देख रहे हो कि काफ़ी तेज़ी के साथ में प्रगति हो रही है इसमें हम रिड्यूस कर पाए हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को 2014 से पहले 45 थी 2014 में 1000 जीवित बच्चों में जो कि घट करके पैंतीस हो गई है 2019 तक ऐसा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ भारती प्रवीण पवार का कहना है ट्यूसडे के दिन डॉक्टर पवार बोल रहे थे कहाँ पर वर्चुअल लॉन्च ऑफ द पालन 1000 नेशनल कंपेन ठीक है ये कंपेन हमको ध्यान रखना है एंड पेरेंटिंग ऐप कहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव इन मुंबई ये जो कैम्पेन है पालन एक हज़ार नेशनल कैम्पेन ये फोकस करता है किस पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर मतलब संज्ञानात्मक विकास बच्चों का हो सके इन फर्स्ट टू इयर्स ऑफ देयर लाइफ जन्म से लेकर के जन्म से लेकर के दो साल का जो टाइम रहता है उस दौरान उसका जो संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरह से हो सके इस, इस पर यह ज़्यादा फोकस करता है एक ऐप भी बनाया गया है जो कि प्रोवाइड करेगा प्रैक्टिकल एडवाइस किसको केयर गिवर्स को ऑन वाट दे कैन डू इन देयर एवरी डे रूटीन एंड विल हेल्प क्लियर डाउट्स जो केयर गिवर्स हैं बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उनको ये ऐप हेल्प करेगा डेली रूटीन बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं ताकि उनका जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके ठीक है इसके बाद यहाँ पर कुछ अर्ली फेसिस में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है बच्चे की लाइफ के लिए क्योंकि ये इम्पैक्ट डालता है लास्ट ए लाइफ टाइम ठीक है उनकी पूरी लाइफ टाइम ये इम्पैक्ट डाल सकता डॉक्टर पवार का कहना है जो बच्चे का जो ब्रेन का विकास होता है वो चालू हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इस इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेग्नेंट वूमेंस हेल्थ लेकिन ये प्रभावित होता है माता की हेल्थ से भी इसलिए दोनों का ध्यान रखा जाता है बच्चे के हेल्थ का भी और गर्भवती माता का भी इसीलिए पोषण और इन्वायरमेंट दोनों ही अच्छा होना ज़रूरी है ऐसे यहाँ पर बताया जाता पहले जो एक हज़ार दिन रहते हैं जिसमें इनके अंतर्गत में ना कई सारे कॉन्सेप्शंस हैं कॉन्सेप्शन मतलब धारणाएं हैं ठीक है अम्पासिस कॉन्सेप्शन, इसके साथ साथ में फर्स्ट टू इयर्स ऑफ ए चाइल्ड्स लाइफ बच्चा जब जन्म लेता है उसके दो साल तक एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्रोइंग चाइल्ड नीड टू राइट न्यूट्रीशन बच्चा जिसकी वृद्धि हो रही है उसको सही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ठीक है इसी के साथ साथ में उसको प्यार मिलना चाहिए सपोर्ट मिलना चाहिए पहले जो एक हज़ार दिन रहते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं एक सॉलिड प्लेटफार्म बच्चे के फिजिकल मेंटल इमोशनल कोग्नेटिव और सोशल हेल्थ को ऐसा मिनिस्टर की तरफ से बोला गया था संज्ञानात्मक का मतलब होता है दिमाग का विकास होना अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फीफा की तरफ से फ़ीफा ने क्या कर दिया है इंडिया को सस्पेंड कर दिया है और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई है फीफा का कहना है कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिला था फ्रॉम थर्ड पार्टी अनुचित इन्फ्लुएंस मिल मिला है इसलिए हम आयोजित नहीं करेंगे एज़ द रीज़न फॉर आई एफ एफ सस्पेंसन ठीक है टॉप कोर्ट ने अपॉइंट किया था एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू गवर्न द ए आई एफ एफ ठीक है फॉलोइंग एन ऑर्डर ऑन अठारह मई दो हज़ार बाईस और इसके लिए एक ऑर्डर आया था अठारह मई दो हज़ार बाईस का तो फीफा ने ए आई एफ एफ को निलंबित कर दिया है भारत में आयोजित होने वाली अंडर सेवनटीन महिला विश्व कप पर संकट मंडरा गया फीफा का कहना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने क्या काम करा था सुप्रीम कोर्ट ने जो नियुक्त किया था एडमिनिस्ट्रेशर की कमेटी जैसे थर्ड पार्टी को इसको संचालित करने के लिए अनुमति दे दी है और इसी के चलते चलते नियमों का उल्लंघन हुआ है तो भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है फ़ीफा के नियमों के उल्लंघन के चलते ये निर्णय लिया गया है निलंबन का मतलब ये हो गया है कि भारत में ग्यारह से तीस अक्टूबर तक होने वाला फ़ीफा अंडर सेवनटीन महिला विश्व कप दो अब भारत में आयोजित नहीं होगा जब तक निलंबन हटा नहीं लिया जाता टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर के एथेनॉल ब्लेंडिंग आखिर है क्या यदि हम ब्लेंड करते हैं एथेनॉल को पेट्रोल के साथ में मिलाते हैं ठीक है और आपकी गाड़ी में डालते हैं इसका मतलब ये है हम क्या कर रहे हैं कम से कम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी जो व्हीकल है वो चल सके इसको ही हम बोल रहे हैं एथेनॉल की ब्लेंडिंग एथेनॉल एक प्रकार की एल्कोहल होती है जो कि बाई प्रोडक्ट माना जाता है एग्रीकल्चर का जैसे कि धान की पराली हो गई गन्ने के छिलके हो गए विच इज़ मेनली ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ सुगर फ्रॉम शुगर कैन शुगर कैन से जब आप शुगर बनाते हो उस दौरान ये प्राप्त होता है इसके साथ साथ में ये हमें प्राप्त हो सकता है फ्राम अदर सोर्सेज सचेस राइस हस्क और मेज ठीक है राइस की भूसी हो सकती है इसके साथ साथ में जो मेज होता है मतलब तो मक्का इसका अवशेष हो सकता है करेंटली बताया जा रहा है टेन परसेंट ऑफ द पेट्रोल दैट पावर्स योर व्हीकल इज एथेनॉल आप एक लीटर जो पेट्रोल डलवा रहे हैं इसमें से दस परसेंट एथेनॉल रहता है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है इसको तो हम अचीव कर लिए हैं दाओ वी हैव हैड एन ई टेन जिसको आप टेन परसेंट बोल रहे हैं इथेनॉल एज ए पॉलिसी फॉर ए वाइल। इट इज़ ओनली दिस ईयर दैट वी हैव अचीव दैट प्रोपोर्सन इसी साल हम इस प्रोपोर्शन को अचीव कर पाए हैं इंडिया का उद्देश्य है कि वो इंक्रीस कर देगा इस रेशियो को 20% परसेंट ओरिजिनली 2030 तक लेकिन दो हजार इक्कीस में जब नीति आयोग ने इथेनॉल का रोड मैप तैयार करा था उसने कहा था कि डेड लाइन वास एडवांस टू दो हजार पच्चीस एथेनॉल की ब्लेंडिंग हेल्प करेगी ठीक है जो हम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट पचासी प्रतिशत ऑन विच वी स्पेंड ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आवर प्रीसियस फॉरन एक्सचेंज डॉलर हमें देना पड़ता तब जाके हम पेट्रोल खरीद पाते हैं सेकेंड नंबर की बात यह है मोर एथेनॉल आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का आउटपुट का मतलब ये है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने अवशेषों से पैसा कमा रहे हैं कचरे से सोना कमा रहे हैं ऐसे यहाँ पर बताया जाता है नीति आयोग की रिपोर्ट है जून दो हज़ार के कहना है कि इंडिया का जो नेट इम्पोर्ट है पेट्रोलियम का वो था एक मिलियन टन इसकी कॉस्ट है पचपन बिलियन डॉलर दो हज़ार में एंड दैट इज़ सक्सेसफुल इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कैन सेव द कंट्री चार बिलियन पर एनम इंडिया कितना बचा सकता है इंडिया बचा सकता है चार बिलियन पर एन एम चार बिलियन डॉलर अब इसमें कुछ फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के एथेनॉल है इसको समझाने की कोशिश कर गई है देखो अब यदि हम एक उद्देश्य रख रहे हैं कि एथेनॉल सप्लाई को हम बढ़ाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है प्रोक्योरमेंट ऑफ़ एथेनॉल प्रोड्यूस को फ्रॉम अदर सोर्सिस बिसाइड मोलासिस इथेनॉल हम अदर सोर्सेस से भी खरीदने की कोशिश करें गुड़ जो प्राप्त हो गुड़ जो बनाते हैं उससे जब एथेनॉ जनरेट होता है उस टाइम की बात करें विच इज़ फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेसन के एथेनॉल या फिर वन जी बोलते हैं अदर देन मोलासिस एथेनॉल कैन बी एक्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम मटेरियल सचैस राइज एस्ट्रा वीड एस्ट्रा कॉब्स, कॉर्न स्टोवर बेगस इधर से भी हम बना सकते हैं बेम्बू हो गया वुडी बायोमास हो गया विच आर सेकेंड जनरेशन एथेनॉल सोर्सेज और टू जी जिसको हम बोलते हैं मतलब शुरू में गन्ने से आप जब गुड़ बना रहे हो तो ये फर्स्ट जनरेशन वाला एथेनॉल हो गया अब गन्ने के अलावा गुड़ गुड़ के अलावा जहाँ से भी आप बना रहे हो जैसे कि धान की डंडियाँ हो गई धान की पराली हो गई गेहूँ की पराली हो गई मक्के के अवशेष हो सकते हैं ठीक है इनसे यदि आप तैयार कर ले रहे हो एथेनॉल को इसको हम बोलेंगे सेकेंड जनरेशन वाला एथेनॉल जब हम इनोग्रेट कर रहे थे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का टू जी प्लांट लास्ट वीक टू जी टू जी बहुत आया था तभी मैं सोच भी रहा था कि ये टू जी का मतलब आखिर है क्या सेकेंड जनरेशन मिस्टर मोदी ने रिफर किया था अब बात करते हैं कि अन्य देशों का प्रदर्शन इस मामले में किस प्रकार से रहा चीन कनाडा ब्राज़ील सभी में इथेनॉल की ब्लेंडिंग कार्यक्रम शामिल है एक विकासशील देश के रूप में ब्राज़ील इससे बाहर खड़ा इसने कानून बनाया था कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 18 से साढ़े सत्ताईस परसेंट की सीमा में होना चाहिए और लास्ट में 2021 में आप देखोगे 27% परसेंट के टारगेट को ब्राज़ील ने अचीव कर लिया है ऑटो उद्योग को ये कैसे करके प्रभावित कर सकता है नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है इंडस्ट्री ने सरकार को 2023 तक सभी वाहनों को E20 मतलब 20% परसेंट के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया था इंडस्ट्री को बोला कि आप ऐसे व्हीकल बनाओ जो कि ट्वेंटी परसेंट ब्लैंडिंग के हिसाब से चल सकें इसका मतलब ये था कि वाहनों में पेट्रोल पॉइंट प्लास्टिक रबर स्टील और अन्य घटकों में हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल वाले ईंधन को रखना है स्टोर करना है इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर का अनुपालन करना पड़ेगा और यदि ऐसा बदलाव नहीं किया जाता है तो फिर ये व्हीकल इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे एथेनॉल की ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं जैसे कि पहली चुनौती ये बताई जा रही है एक तरफ तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरी तरफ हम यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को ठीक है इसमें बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बैटरी के माध्यम से हम रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर रहे हैं भूमि का हम सही यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर सोलर पैनल इससे हम बिजली पैदा करेंगे ठीक है एक हेक्टेयर एरिया में हम सौर ऊर्जा का प्लांट लगाए हैं मात्र एक हेक्टेयर में वहीं इतनी ही एनर्जी हमें एक सौ सत्तासी हेक्टेयर वाले मक्के की खेती करना पड़ेगा तब जा कर के हमें उतना एथेनॉल प्राप्त हो पाएगा ऐसा यहाँ पर बताया मतलब हम भूमि की बचत यहाँ पर कर सकते हैं भले ही हमें बिजली के ट्रांसमिशन बैटरी की चार्जिंग ग्रिड स्टोरेज से होने वाले नुकसान हो सकता है ठीक है इसके अलावा एथेनॉल के लिए हम जिन प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं वो पानी बहुत ज़्यादा खपत करते हैं ठीक है जैसे कि एक बात बताई गई है भारत के लिए गन्ना एथेनॉल का सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है एक टन गन्ना 100 किलो चीनी और 70 लीटर एथेनॉल का उत्पादन कर सकता है एक टन गन्ना मतलब चीनी से एक लीटर एथेनॉल के लिए 2860 लीटर पानी चाहिए आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पानी चाहिए इसलिए अपशिष्ट आधारित निष्कर्षण की और एक कदम उठाया गया है जैसे कि मोटे अनाज के माध्यम से इसलिए हम क्या काम करेंगे जो मक्का है मोटे अनाज जिसमें पानी की कम जरूरत पड़ती उससे हम ये बनाएंगे इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली से दिल्ली में हम देखेंगे फूड ट्रक पॉलिसी क्या है फूड ट्रक पॉलिसी बहुत ही जल्दी आने वाली है दिल्ली में दिल्ली की गवर्नमेंट लेकर के आएगी बहुत ही जल्दी एक फूड ट्रक पॉलिसी को जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की रहेगी ऐसा कहना डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का ट्यूज़े के दिन सिसोदिया का कहना है कि गवर्नमेंट वाज वर्किंग ऑन ए वार फुटिंग ठीक है बहुत तेज़ी के साथ युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है ताकि इम्प्लीमेंट कर सके ऑल द अनाउंसमेंट्स मेड इन इट्स बजट बजट में हम जो बात बोले हैं वो हम करके रहेंगे करेंट फाइनेंशियल ईयर में विच इट हैड टर्म द रोजगार बजट सरकार ने इसको रोज़गार बजट का नाम दिया था हमारे बजट में हमने अनाउंसमेंट इन्वान्स, करे थे कई सारे प्रोजेक्ट को जो कि फोस्टर कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब पोषक हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के और जनरेट कर सकते हैं ट्वेंटी लाख जॉब आने वाले पाँच साल में ठीक है उन्हीं में से दिल्ली सोपिंग फेस्टिवल है फूड ट्रक पॉलिसी है ये दो प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट हैं जिनको लॉन्च किया जाएगा बहुत ही जल्दी मिस्टर सिसोदिया का कहना है ठीक है यदि एक रिव्यू मीटिंग थी इसमें उन्होंने क्या कहा है कि पॉलिसी विद ऑफिशियल कंसर्न स्टेक होल्डर कंसल्टेशन विद वेरियस एजेंसीज हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड इन दिस रिगार्ड तो कंसल्टेशन का भी काम इस मामले में हो चुका है एक लैब बनाई गई है जिससे जो पीडीएस सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जैसा कि दिल्ली की ही एक न्यूज़ है पब्लिक सिस्टम लैब जिसको कहा जाता है इसका उद्घाटन किया गया था आईआईटी दिल्ली में ट्यूसडे के दिन ताकि डेवलप कर सकें इसके लेबल सोल्यूसन कुछ सोल्यूसन हम निकाल सकें सिविक सिस्टम है हमारा सर्विसेज है इसके लिए जो कि लाखों लोगों के ऊपर इम्पेक्ट डालता है ये जो लैब है इसको सेटअप किया गया है आई दिल्ली के द्वारा इसमें पार्टनरशिप थी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दो लोगों तीन दो तीन लोगों ने मिलकर के इसको इनोवेट किया है इसका उद्देश्य है हमें करप्शन को रोकना है कहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बाय मेकिंग इट मोर एफिशिएंट और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें उन्नीस से ही आप हमारे यहाँ पर चीता नहीं देखे गए हैं कुल मिलाकर के हमारे देश से चीता विलुप्त हो गया है अब इंडिया चाहता है कि नामी बिया से वो चीता लेकर के आएगी और जो पालपुर कुनो है मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क वहाँ पर इनको स्थानांतरित कर देगी तो इसमें बताया जा रहा है यहाँ जो तेंदुए की जनसंख्या है ना वो काफ़ी प्रभावित करने वाली एक तो तेंदुआ होने से हो सकता है दोनों में लड़ाई झगड़ा हो या फिर तेंदुए इनके खाने को ख़त्म कर दे इनको खाने के लिए ही ना मिले और फिर ये इधर उधर भटकना चालू करें ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और अफ्रीकन जो चीता है जिनको हम लाने वाले हैं अभी भी इसमें जो डेडलाइन रखी गई थी उसमें देरी आ रही है ऐसा यहाँ पर बताया गया 1900 लगभग उन्नीस सौ पचास से ही हमारे यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं चीता ठीक है इंडिया स्टेट दैट इकोहट ऑफ अराउंड दस से बारह यंग वुड बी इम्पोर्टेड फ्रॉम नामीबिया और साउथ अफ्रीका ठीक है दो जगह दस से बारह तो हम लाने ही वाले हैं कम से भी कम पैंतीस तो चाहिए ताकि अच्छी तरह से सरवाइव कर सकें ऐसा इसमें बताया गया है अभी ये पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें उन चीतों की पिक्चर है जो कि इंडिया को भेजे जाएंगे इनका मेडिकल चेकअप चेकअप हो रहा है ये सही है कि नहीं हम भेज सकते हैं कि नहीं है ये सब बातें यहाँ पर बताई जाती हैं एडिटोरियल में देखें तो दो एडिटोरियल की हम बात किए थे ठीक है इनको आप वेबसाइट में आकर के डिटेल में पढ़ लीजिएगा मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊँगा आपको एक एडिटोरियल हमारा है कि भारत को रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्च करने की ज़रूरत है इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ पाएगा एक बात यहाँ पर बताई जा रही है इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा तो जो सोशल स्कीम है जिन पर पैसा खर्च गवर्नमेंट कर रही है इन पर तो उसको करने की ज़रूरत है गरीबों के लिए जो स्कीम चला रही है वो तो चलाने की ज़रूरत है लेकिन एक बात ये है कि जो डिफेंस में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो सेकंड नंबर के आप आया तक बन गए हो बाहर से इम्पोर्ट करवाने वाले सबसे ज़्यादा हथियारों को ठीक है सऊदी अरब के बाद में तो आप सोचिए इतना पैसा आप लगा कर के करोगे क्या तो अभी हाल ही में जो कंडीशन आप देख रहे हैं युद्ध को आप डिफेंस में ख़र्च करके नहीं जीत सकते हो आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आना पड़ेगा जिससे आप युद्ध भी जीत सकते हो ठीक है इसलिए आपको डिफ़ेंस में पैसा खर्च करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं अमेरिका जैसा देश तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाया अफगानिस्तान में और आज देख रहे हो फिर से उसका राज हो गया तो फिर भारत कैसे करके कर देगा जो कि अपने जीडीपी का बहुत सारा पैसा खर्च करता है अमेरिका आप सोच सकते हैं तो हम उस हिस्से को रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करें ठीक है इसकी शुरुआत हमें लो लेवल पर करना पड़ेगा ठीक है कौन से लेवल से करना पड़ेगा हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे हमें इसकी शुरुआत करना पड़ेगा ऐसा यहाँ पर बताया जाता है तो इंडिया अभी आज के टाइम में पॉइंट सेवन परसेंट रुपये खर्च कर रहा है जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम में कम से भी कम हमें चार परसेंट तो खर्च करना पड़ेगा आर एंड डी वाले हिस्से में अपने बजट का पैसा इसके साथ साथ में हमें इंश्योर करना है कि जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट करे प्रोसेस को ताकि वो एक्मोडेट कर सके लार्ज बजट को ठीक है उसको भी कुछ फॉलो प्रक्रिया को करना पड़ेगा तब जाके उसको जो बजट हम दिए हैं वो उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाएगी कोई भी संस्थाओं इसके साथ साथ में इंडिविजुअल इंटरप्रर को हमें क्या करना है इंकरेज करना है ठीक है पार्टिकुलर मैं भी ऐसा बनूँ कि मुझे क्या चाहिए मुझे नौकरी नहीं चाहिए मुझे चाहिए खुद का बिजनेस इस मामले में हमें लोगों को इनकेज करना है इसके साथ ही साथ लिंक करना है साइंस को सोसाइटी के साथ में इसका एक और आर्टिकल था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के कि भारत को अपना विकास भी करना है इसके साथ साथ में पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है 1970 और 80 के दशक में हमने सुने थे चिपको आंदोलन साइलेंट वैली नर्मदा बचाव आंदोलन इस प्रकार के आंदोलन हम बहुत सुने थे